तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने ब्लॉगर के लिए डोमेन ले लिया तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपको जानकारी देने वाला हूं। हो सकता है अगर आप इस वीडियो को कट कर दोगे तो इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलने वाला है वो कभी आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, इस वीडियो में कुछ आपको खास जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने डोमेन ले लिया ब्लॉगर के लिए, ठीक है, तो इसको रखते हैं साइड में, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूट्यूब की, ठीक है, कि यूट्यूब जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये भी एक डोमेन है, ठीक है। यूट्यूब के आगे क्या लगता है, YouTube.com, तो ये भी एक डोमेन है। YouTube को जो है एक बंदे ने जो है मजाक में जो है चालू किया था उसको, ठीक, जो कि बहुत ही पहले, जब उस समय जो है कोई भी इंडिया के अंदर में क्या कि पूरे विश्व के अंदर में कोई भी ऐसा साइट नहीं था जिस पे कि वीडियो अपलोड किया जा सकता था। तो उस बंदे ने जो है मजाक में चालू किया और आज के डेट में देख सकते हो कि कितना लाखों करोड़ों का जो है यूट्यूब बन चुका है, ठीक है। इसको कोई आज खरीदने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका रेट ही इतना हो चुका है और ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि शायद हमें लगता है गूगल इसको बेचेगा भी नहीं, ठीक। तो उसी तरीके से जो है आपने भी डोमेन लिया, तो क्या पता जो है आगे चल के वो जो है आपका डोमेन लाखों करोड़ों में हो जाए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपने ब्लॉगर के लिए डोमेन ले लिया तो आपको जो है हिफाजत करना है अपने डोमेन को, ठीक है। हिफाजत आपको इसलिए करना है क्योंकि आप जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति हो जाते हो डोमेन लेने के बाद। डोमेन जब आप लेते हो तो डोमेन लेने के वक्त जो है आपको अपना जो है एड्रेस दे के और आपको जो है डोमेन को रजिस्टर करना होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इंटरनेट पे जो है कुछ बुरे लोग भी है कुछ अच्छे लोग भी है, तो यहाँ पे जो है आपको अपने समझदारी से काम लेना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आज के डेट में जो आप फेसबुक को यूज करते हो तो आप सभी लोगों को पता होगा कि फेसबुक का मालिक जो है मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है। लेकिन शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फेसबुक का मालिक जो है इंडियन था, ठीक है, उसका नाम था दिव्य नारायण, ठीक। तो गूगल पे जब आप सर्च करोगे तो आपको यही जानकारी मिलेगा अभी भी, ठीक है, कि दिव्य नारायण जो है फाउंडर है फेसबुक का। लेकिन धोखे से हुआ क्या कि फेसबुक को जो है रजिस्टर करवा लिया अपने नाम पे मार्क जुकरबर्ग। इसके लिए जो है दिव्य नारायण जो है कोर्ट में बहुत चक्कर लगाया, दिव्य नारायण मार्क जुकरबर्ग के ऊपर केस भी ठोक दिया, लेकिन फिर भी क्या है बाद में जीत हुआ मार्क जुकरबर्ग का ही, और लास्ट में जो है हार गया कौन, तो दिव्य नारायण। जो असली मालिक है वो हार गया, जो डुप्लीकेट मालिक है वो जीत गया। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट पे बहुत सारे जो है अच्छे लोग भी है बुरे लोग भी है, तो आपको जो है अपने डोमेन की रक्षा करना है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अपने डोमेन को आपको रक्षा कैसे करना है। तो पिछले वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका डोमेन जो है किसी के नाम पे रजिस्टर होता है या कुछ भी होता है तो हैकिंग के जरिए होता है, ठीक। तो पिछले वीडियो में जो है मैं हैकिंग के बारे में बताया हूँ कि कैसे जो है आपका डोमेन जो है आपका वेबसाइट जो है हैक होता है, ठीक। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको जानकारी दिया हूँ, तो इस वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने डोमेन नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये चीज़ सीखना चाहिए कि हैकिंग कैसे होता है, ठीक है, या चाहे आपका यूट्यूब चैनल या वेबसाइट ब्लॉगर पे है, ठीक, तो हैकिंग कैसे होता है इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो पहले से जो है आपको सीखना पड़ेगा। अगर अभी तक जो है इतना बड़ा यूज़र आप नहीं हुए, बाकी मैं भी जो है इतना बड़ा यूज़र नहीं हूँ, लेकिन सीखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के जो है काम आएगा। तो इस वीडियो में जो है आपको सारे सवाल का जवाब मिलेगा। तो इस वीडियो का लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं अब आपको बता देता हूँ कि जब आप डोमेन ले लेते हो तो आपको जो है किस प्रकार से जो है आपको पोस्ट डालना है अपने ब्लॉग के अंदर में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम से कम जो है डेली एक पोस्ट आपको डालना है, क्योंकि डोमेन लेने के बाद जो है आपको अर्निंग भी करना है। अगर अर्निंग नहीं होगी तो आप जो है डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको जो है कम से कम जो है एक पोस्ट डालना है डेली के डेली, और फिर जो है आपके वेबसाइट पे होगा क्या कि ट्रैफिक आएगा, गूगल के सर्च में आएगा, क्योंकि डोमेन लेने के बाद जो है बहुत ही तेज़ी से जो है आपका वेबसाइट जो है ग्रो होने लगता है, ठीक है। बाकी आपको जो है टैग डिस्क्रिप्शन सब जो होता है टाइटल होता है आपको अच्छे तरीके से डालना है।
तो ये वीडियो जो है मैं बनाया था क्योंकि एक भाई जो है मेरे पास कमेंट किया था कि यार डोमेन लेने के बाद जो है क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो कि मैं आपको इस चैनल पर बताता ही रहूँगा। बाकी चलिए मैं आज इतना ही मैं बताया हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि ब्लॉगर से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।